मम्मी ने बहुत ज्यादा डांट दिया था। निकल यहाँ से, गेट आउट। तेरी वाट लगाओगे, जिसके साथ चीट किया वो लड़की की भी वाट लगाओगे। ये लाइट है जो आप भर के ले जा रहे हो, मम्मी इतनी ज्यादा खुश होगी, इतनी ज्यादा खुश होगी, है ना? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी लाइटें ली थी जिससे मम्मी कुछ ज्यादा खुश हो गई थी इस बार, है ना? मम्मी बोला अरे रंगीन रंगीन कर दिया इस बार तो। एक्चुअली गाइस हुआ ये था ना कि दिवाली के वक्त मम्मी गई थी बड़ौदा, और मम्मी बड़ौदा जाने के बाद मम्मी ने पंडित जी को बोला था कि भाई लाइटें लेके मस्त डेकोरेशन वेकोरेशन करके लाइटें लगवा देना। तो पंडित जी लाइट वाले भैया को ले आए, मम्मी तो बड़ौदा थी, मम्मी को कुछ आइडिया नहीं था, मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही थी, वो मम्मी की गलती है। और मम्मी की चॉइस और पंडित जी की चॉइस काफ़ी अलग थी। मम्मी को ऐसा था कि एक सिंपल कलर में एकदम मस्त पूरा लाइट वाइट हो जाए पूरे घर में, सही है ना? और जैसे मम्मी आई घर पे, मम्मी ने देखा पूरी ऐसे रंगीन रेड ब्लू लाइट और वो सब चमक रही है, चुपक 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 चमक रही है, जो मैंने पहले दिवाली के ब्लॉग में डाला भी है। अभी ये देखो कलर की बाल्टी में क्यों ले जा रहे हैं, पता है? हाँ मेहनत, हाँ इन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की मेरे सामने की, पर मम्मी ने बहुत ज़्यादा डांट दिया था। और आपको बता दूँ, ये है ना बाल्टियों में क्यों, कलर की बाल्टियों में क्यों भर रहे हैं क्योंकि ये पेंट का प्रोफेशनली काम करता है ये। हमारे घर के ये जो सारी दीवार है ना, वो उन्होंने ही पेंट की हुई है। हेलो हेलो, ओ तू भी आ गई, हाय, चल निकले, हम कर जा। तो अंकिता ने कोई पता नहीं जगह ढूंढी है जिसका लास्ट डे है आज, ऐसा कुछ पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे कुछ ज्यादा तो समझ में नहीं आया। मैंने बोला ज्यादा बकवास मत कर, जहाँ जाना सीधे सीधा बता कहाँ जाना है, तो चले जाते हैं। एंड एक्चुअली दो गाड़ियों के बीच में से गाड़ी निकल रहा था, थोड़ा कॉन्शियस भी था और मिरर बंद कर रहा था, वरना ठप ठप आवाज आती साइड में से। नोटिस किए क्या? मैंने ब्लैक पहना, तूने व्हाइट पहना। अरे हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, वो चेस जैसा होता है ना, मतलब ऑपोजिट टीम में, मतलब के तू गोरी बुरी, मतलब तू अंग्रेज, मतलब निकल यहाँ से, गेट आउट, गो साइमन गो। अंग्रेज नहीं हूँ मैं, इंडियन ही हूँ, सिर्फ कपड़े पहने व्हाइट कलर, व्हाइट फॉर। तो फिर तू क्या चाहती है, मैं वो गाना गाऊँ, गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी, गोरी हो ही नहीं है ना, चुप चुप के तुम मिला करो, प्यारी व्यारी बातें बातें किया करो, पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा। तो ये कंडीशन है आपको, तो यार नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा, छोड़ो। सपना भूल गया आज वाला? मैं सब खराब सपने और खराब चीजें याद ही नहीं रखता, इसलिए मुझे तेरी कभी याद ही नहीं आती। चलो चलते हैं। मैंने ना एक गंदा वाला सपना देखा और सुबह उठी ना, वैसे मैं हिरण को जाकर देखा, देख हिरण अगर तूने मुझे लाइफ में चीट किया ना तो तेरी वाट लगाओगे, जिसके साथ चीट किया वो लड़की की भी वाट लगाओगे। हिरण बोले हुआ क्या? मैंने मैंने सपना देखा है, ये सुबह सुबह मेरे साथ झगड़ रही थी सिर्फ इस टॉपिक पे कि इसको सपने में क्या आया। और सपने में ऐसा आया सपना कि मैंने उसको कल फोर्सफुली एक परफ्यूम खरीदने का बोला था और उसे परफ्यूम लगाया, और वो परफ्यूम लगाया, और वो परफ्यूम लगा के उसने वो लड़की को पटाया, और हम दोनों मूवी देखने गए थे और वो लड़की पीछे बैठी हुई थी। बहुत लॉन्ग सपना है और मैंने देख लिया, पहला मोबाइल ठीक से पकड़ती हुई है, कभी मेरा सर काट रही है, कभी खुद का काट रही है, और वो दोनों ऐसे बोल रहे थे कि अभी क्या है। बहुत लंबा था सपना, इन शॉर्ट वो चीट कर रहा था मेरे को लड़की के साथ में, और मैंने दोनों को पीटा है सपने में, ऐसा मैंने देखा। तो जो भी लड़की सोच रही हो चीट करने का, सावधान, मैं को बॉक्सिंग भी आती है, सावधान, कदरदान, मेहरबान, भी आते हैं, डोंट वरी गर्ल्स, कम ऑन हिट मी, I will hit you and too, तुझे भी हिट करूंगी। अपने टॉप सीक्रेट रखेंगे, डोंट वरी। सीक्रेट सीक्रेट कुछ भी हो, असलियत बाहर आ जाती है। मुझे डीएम करो। असलियत बाहर आ जाती है, और मैं सच बोलती हूँ, मैं बहुत गंदा मारती हूँ। गाइस डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। गाइस एक तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ काम कर रहा होता या कुछ भी कर रहा होता ना, ब्लॉग मुझे करना पड़ता है। मैं सिर्फ ये कर रही थी ना, मैं ब्लॉग, तेरे को सिर्फ तेरा सपना बताना था, वरना तू करती है। हाँ करती हूँ, कितनी बार करती हूँ। आगे कौन सी गाड़ी जा रही है? मर्सिडीज की है। और मैं सोचो वरना जैसी लग रही है, देखो गाइस सच में दिखाता हूँ, रुको, वो देखो दूर से ऐसा लग रहा है नई वाली वरना जा रही है। अभी है ना हमको एयरपोर्ट पे जो भाई मिले थे, मतलब जो पुलिस वाले भैया मिले थे हमको, जो हमारे सब्सक्राइबर थे, मेरे को मजा आई, और मैंने उनका फेम तोड़ा भी नहीं किया यार, वो इतना खुश थे हमको मिलके। और उन्होंने क्या, हमको बहुत जल्दी अंदर जाना था और बहुत सारी लाइन लगी थी, और उन्होंने सबसे पहले हमारे बारे में सब पता था, और गाड़ी को उन्होंने क्या बोला, और आपकी मुस्टैंग कैसी है, बोला हाय हाय मेरी गाड़ी को मुस्टैंग बोल दिया। वैसे वो अलग बात है कि मुझे मुस्टैंग नहीं पसंद, एक फैक्ट है ये। तूने कभी मुस्टैंग में रियल में बैठी है?
मुझे वो नहीं, तू वो चीजें बता रहा है, पर ऐसा बता रहा है कि अपने को एयरपोर्ट में भी एक मिले थे जो हैदराबाद जा रहे थे, उन्होंने बोला था कि आपकी स्माइल कितनी अच्छी और मेरी स्माइल की कितनी तारीफ की थी। तो मैं आप हर कोई अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसको थोड़ी सपोर्ट करने के लिए मैं प्रमोट करता रहूंगा। झूठ नहीं, सच है, मेरी स्माइल अच्छी है। तू ना खुद ने एडमिट किया कि फर्स्ट टाइम तू मुझे मिला था, और जब तू मुझे फर्स्ट टाइम फर्स्ट मीटिंग तो नहीं थी, पर जब तुझे मेरे से अट्रैक्शन हुआ था और तू मुझे स्पेशली मेरी स्माइल और मेरी आंखों की वजह से अहमदाबाद से बड़ोड़ा रात को 12 बजे ड्रॉप करने आया था, क्योंकि रात के 12 बज रही थी, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह उतारने आया था, और इसने मुझे और इसने चला गया था जब अपने फर्स्ट मीटिंग से फर्स्ट शूट था, तो मुझे शूट में छोड़ के तेरी जो गर्लफ्रेंड थी तब शाम हो रही थी, उस वक्त जो तेरी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ में कौन सा गाना पिक्चर ना हो वो वाली कौन सी पिक्चर का नाम, अरे वो जो भी देख लाउड एनवायरनमेंट बोल रहा है तू, सुन मेरी बात तो सुन, मेरी वो कौन सी पिक्चर थी, आयुष्मान की बोलूंगा ना, जवाब ही नहीं दे रहा मन वाली पिक्चर देखने चला गया था, अब बोलूं उसके साथ, अब बोलूं नौटंकी साला, हाँ नौटंकी साला नौटंकी करके चला गया, अच्छा बोलूं मैं, और तो मुझे छोड़ के चला गया था बेचारी छोटी, तू सिर्फ बोलना चाहता नहीं चाहती मैं ये बोल रहा हूँ कि पहली चीज ओए उस वक्त मैं सिंगल नहीं था तो मैं क्यों उतारना हूँ तेरे को, लॉजिकल, अच्छा तू मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ। अभी अगर मैं किसी के साथ काम करूँ मैं उसको ड्रॉप करने जाऊँ तो चलेगा, हिरण याद कर अपने मुरबी गए थे और कौन पीछे बैठा हुआ था और वो उसको रात को बस स्टेशन पे छोड़ दिया था, तो मैंने बोला था यार कोई लड़की ऐसे अच्छी नहीं लगती, अपने ने होटल बुक की थी महंगी वाली, फिर भी अपने मेरे साथ आई थी, हाँ उस दिन वो मेरे साथ थी, वो डायरेक्ट मिलने वाली थी, मैं हम दोनों साथ में नहीं थे उस वक्त, और नीमिल था पीछे बैठा हुआ था, वो जो भी हो इन शॉर्ट भर में गई मैं ये बोल रहा था टॉपिक फालतू में लंबा गया, उस वक्त मैं सिंगल नहीं था इसलिए तेरे को उतारने नहीं आया था, दूसरा कि तूने ना मतलब जब मैं ड्रॉप करने आ रहा था एकदम शरीफ इंसान तेरे को उतारने आ रहा था, तब तूने मेरी सिंगल होने को और मेरे इनोसेंस का फायदा उठा के वो है ना वो ऐसे प्यारी सी ऐसे नजरों वाली एक्टिंग और वो इनोसेंट वाली स्माइल के एक्टिंग कर करके मेरे को पटाया और कुछ नहीं है, जबकि इसने जब मुझे प्रपोज किया तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी बोले नहीं मैं कुछ नहीं मानने के लिए सब कुछ के वक्त भी ऐसी स्माइल है और मेरे को इसी तरह से देखने का गाइस अगर आपको सच सुनना हो ना तो सच में हमारी है ना लव स्टोरी वाली वीडियो जो बहुत पहले अपलोड की थी ना वो अभी भी लोग देख रहे हैं, तो एक बार जाके वो माई लव स्टोरी वाला चेक कर लेना, मैं शायद लिंक डाल दूंगा वरना सर्च कर लेना ब्लॉग चैनल पे ही है वो, अच्छा मैं तेरे लिए कभी हंसूंगी नहीं देख और ना प्यार से देखो गाइस कमेंट करना मेन चैनल पे वो लव स्टोरी वाली वीडियो हम री अपलोड कर देंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारों को अभी भी नहीं पता कि मैंने लव स्टोरी वाली वीडियो डाली, मैं क्रॉस प्रमोट भी किया पर लोगों को नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ सर, एनीवेज बहुत ज्यादा बातें कर ली गई ब्लॉग करते करते, जहाँ जाना था वही रह गया, यहाँ पे जब गणपति फेस्टिवल के लिए चीजें मिलती है तब कितनी भीड़ होती है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा होती है, आज भी कम नहीं है भीड़, आज कम नहीं पर एटलीस्ट गाड़ी आराम से जा पा रही है अंदर, अपना ना वहीं से निकले, पार्किंग में यहाँ पे ही फुल है यार, मेन गेट से ही एंटर हो गया, हाँ मुझे मालूम है, देखो हमेशा ऐसे अफसोस होता है कि मेन गेट की जगह बीच की गली में निकल जाता है, पर मुझे शॉर्टकट मालूम है तो क्या करूँ मैं, आई एम अ गुड मैन, देखो चार कदम ज्यादा मेहनत करने की आदत है, सच में एंड में इसने अपने को दी है पार्किंग, तो क्या है ठीक है ना पार्किंग ही है, चलो अच्छी गाड़ी की जगह तो मिल गई पार्किंग करने की, अभी हमको इतना ज्यादा चल के जाना है वहाँ मेन गेट तक, और मेरे को है ना कि क्या है कल तक मैं बीमार था बहुत ज्यादा, सुबह तक बीमार था, तो अभी थोड़ा सा वीकनेस रिकवर नहीं हुई है, पर नहीं ये मैडम की जिद थी कि जाना ही है, मतलब जाना ही, मुझे लास्ट डे है एग्जीबिशन में, आ तो सही अभी झूठ क्यों बोला मैं, तू नहीं ढूंढी ये जगह, किसने ढूंढी मेरे बताए जगह किसने ढूंढी, झगड़ा करना है मेरे साथ, चल आ जा चल आ जा झगड़ा करने का, आ जा चल मेरे मारने का थोड़ी ना एक दूसरे को, झगड़ा करने का उसमें बाल बांधने की जरूरत नहीं है, मेरे को पहले ही पता है जगह किसने ढूंढी, जगह मैंने ढूंढी पर मैंने ये एग्जिबिशन का लास्ट डेट कौन सा है, आज आज जाना पड़ा, नहीं बोला कि आज जाते हैं जाते हैं, मैंने चल जाते हैं अच्छा ब्लॉग हो जाएगा, ठीक है अच्छा तूने ब्लॉग के लिए बोला था, आया ना शॉपिंग के पीछे ब्लॉक के लिए बोला था, ये यहाँ शॉपिंग की चीजें मुझे तो वो भी नहीं पता, मैंने ब्लॉक के लिए बोला था, कुछ बोला तो हमें ऐसा बताता है कि मैं ही करती रहती हूँ हमेशा, मैंने ना अंकिता को 3 से 4 बार बोला कि टी शर्ट अच्छी है दिखने में भी अच्छी है कंफर्ट भी है, मतलब कंफर्ट ओवरऑल अच्छा, पर गले से यार मुझे मजा नहीं आ रही, कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो अभी मैंने बार बार ऐसे खींच रहा था टी शर्ट को, तो मैंने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है टी शर्ट, मैं दूसरी बार नहीं पहनूंगा, मेरा गला खींच रहा है, डबा रहा है ऐसा लग रहा है, कैसे हो सकता है, ये देखो अभी भी मैं उल्टी टी शर्ट पहन ली है,
इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था हाय अब मैं यहाँ पे कोई जगह भी नहीं पता जहाँ मैं जाके चेंज करके सीधी कर पाऊँ। ये मुझे बोलते यहीं पे खड़े खड़े कर ले, मैं पागल है। मैंने पार्किंग में बोला था कार के पीछे छुप के, दूसरे की गाड़ी के पीछे जहाँ पब्लिक थी आगे। एनीवेज हम लोग यहाँ पर आए अहमदाबाद हाट में। ये क्या है अंकित पढ़ना, क्या है ये? सीट भी सीट भी स्वावलंबी मेला, स्वावलंबी मतलब और खुद के ऊपर स्वावलंबन है, लंबी नहीं लंबन मतलब स्वावलंबन, मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा तो ये एग्जीबिशन में मोस्टली ऐसा है कि शायद हैंडमेड चीज़ें वगैरह होती है ना, उस टाइप का है ना, सबके खुद खुद की हैंडमेड चीज़ों का एग्जीबिशन है पूरा। ओह नाइस, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा या तो फिर कुछ लेंगे ना तो हम ब्लॉग करते हैं। यहाँ पर ये सारी लकड़ी जैसे बनी हुई चीज़ें देखो कितनी मस्त है यार, ये पूरा घर बनाया हुआ इससे, और ये भी पूरा टेम्पल बनाया हुआ है। ओए वो तो ठीक है, ये प्लेन देख कितना मस्त लग रहा है। तो यहाँ पर हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, इसको इलेक्ट्रिक भी नहीं है और वो भी नहीं है ना, मैनुअल है पूरा। इसके नीचे है ना ये वाली गोली चला कर देने, ऊपर जो भी रखोगे उसका पूरा फ्रेगनेंस आएगा। ऊपर नीचे जो ऊपर है ना वो स्टोव है, मतलब पंप है। ओके तो हम लोग ये लेने का सोच रहे हैं, एक में पोर्टेबल है, कोई भी बहुत मस्त चाय कॉफी मैगी कुछ भी बनाना है। इसमें इसके ये सारे फ्लेवर्स भी है और ये सब देवदार डिटेल को मालूम नहीं पर अच्छी चीज है। दो गोली पास में रखो ना तो कुकर की सीटी बन गया, तो एक मस्त कॉम्पैक्ट एकदम स्टोव जैसा है। और कुछ भी कुक कर सकते हैं, गोली की एक्सपायरी डेट नहीं है। जिसके ऊपर बड़े हैवी मैं अभी व्हीकल्स बोलने वाला था, क्या यूटेंसिल्स रख सकते हो कुछ खाना वाना पकाने के लिए। तो यहाँ पे एकदम 100% नेचुरल जूसेस है। ये वाला मैं मम्मी के लिए लेने का सोच रहा था, ये काय का जामुन ना कि डायबिटीज में काम लगता है, पर इसके अंदर शुगर ऑलरेडी है, नहीं इसलिए शुगर है इसलिए नहीं ले रहा है एक्चुअली में। तू कौन सा वाला भी ट्राई कर रही है, कौन सा है? अदरक आमला नींबू नहीं हल्दी नहीं करना है ट्राई, ये खट्टा है ना इसलिए तू मुझे टेस्ट करवा रही, मुझे सब पता है, सब पता है तेरी नौटंकी मालूम है मेरे को। ये अच्छा लगा, अच्छा लगा, ले सकते हैं। तो एक हमने लिया है आदू आमला हरदर और एक आमला, बिकॉज एक्चुअली मैंने आदू की वजह से वो वाला नहीं यूज करूंगा इसलिए। कौन सा है पर क्या है, क्या ये अदरक आमला तुलसी पुदीना गर्मी मेरे को पूछना भी मत ट्राई करने के लिए, मेरी कसम पूछना नहीं मत, मैं पहले बोल रहा हूँ इसमें नहीं चल, नहीं नहीं चल, नहीं नहीं आप इसको दो इसको दो। पी ले, अरे नहीं पीना है पर मेरे को आमले का टेस्ट अच्छा लग रहा है, तू पी पी ना मेरे को। अरे चल मैं चला जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो पी ले, मैं चला जाऊंगा छोड़ के, देखो यहाँ पे मजाक नहीं, मैं कसम दीजिए भूल गई, चुपचाप पी ले। यहाँ पे जगह पे है ये देखो, थ्रेड से पूरा डिजाइन बना हुआ है, और क्या बनाया हुआ है थ्रेड से, ये देखो अपने मोदी जी पीछे से कैसा लग रहा है, आगे देख ये पूरा थ्रेड से हैंडमेड बनाया है, ये भैया बनाते हैं और इनको अवार्ड भी मिला है ना, ऐसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है यार सच में, फ्रेम वाले और बड़ी साइज में भी सुपर। तो हमने ये दोनों डिजाइन लिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे, ये बोट वाले डिजाइन बहुत सही है और ये तो यही स्पेशलिटी, तो ये हमने लिया है। अहमदाबाद हाट के अंदर ये वाला हमको एक कैंटीन दिखा जहाँ पे सारा मतलब प्रॉपर वो होता है ना देसी खाना वो था, तो हमने मंगाया रोटलो और उड़ा। अंकिता की कॉमेडी चीज बताता हूँ, उड़ा उड़ा सब लोग ऑर्डर कर रहे थे, ये बोले उड़ा है क्या, हेलो उड़ा बैंगन का भरता, मुझे नहीं पता था वो देसी भाषा में, देसी भाषा में रिंगन ओड़ो गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बैंगन भरता, वो हिंदी है, गुजराती में ओड़ो बोलते हैं। अरे बैंगन का भरता लिखा जाता है यहाँ पे, रिंगन नो ओड़ो, हाँ तो ओड़ो रिंगन का ही होता है, तो वो हमने मंगाया और इसमें छाछ लूंगा, छाछ कैसी है बता दो सही, खट्टी है और मेरा गला बिगड़ेगा इसको खाने के, नहीं नहीं थैंक यू, तेरी फोटोग्राफी खत्म हो तो बताना मैं खाऊं, टेस्ट करके कम से कम बता तो सही कैसा है, खा लिया पर बता भी नहीं रही कैसा है, और ये बोल भी नहीं है कि तू खा, और ऊपर से पता ये देखो इसने ऐसे तोड़ दिया कि भाई मेरे हिस्से में आना मत है ना, और मैं तेरे को मेरे हिस्से में से खिलाएगा,
बस ऐसे मेरी मर्जी है। हाँ तो डांट खा लेना, यहाँ पे भी थोड़ा खाना, वहाँ घर पे जाकर भी डांट खाना। मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कैसा है। अरे बहुत अच्छा है। अंकिता के एक्सप्रेशन में मत जाना, ये जस्टिफाई नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सच बताना तूने जितना एक्सप्रेस किया उससे ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? भीरन को इतना अच्छा लगा ना तो इसने आलू की सब्जी और रोटी भी मंगा ली। ऐसे मुझे मैंगो का भरता ज़्यादा अच्छा लगा, पर मुझे ट्राई करना था अलग, मंगा ही रहा हूँ। तो भीरन के आलू बहुत मस्त है। मस्त है। तो फ्लाइट से चुराया हुआ पेपर नैपकिन, चुराया नहीं फ्लाइट का लिया हुआ पेपर नैपकिन काम लग रहा है। देखा ही रहा, कुछ भी चल फालतू नहीं जाती है भाई। मजा आ गई खाने की कसम से। तो फाइनली अंकिता को जो डिजाइन चाहिए थी हैंडमेड में वो मिल गई। कितना पड़ी देखो? 300 का सर। कैसे हो भैया? ये सारी ये भैया बनाते हैं है ना? ये सारा हमने आपको कब दिखाया था? जब अपने वाइट डेजर्ट और कच्छ का पूरे ट्रिप में गए थे घूमने के लिए। पर एक्चुअल में ये जो मॉडर्न आर्ट वगैरह लगाते हैं ना, उससे अच्छी चीज़ें लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और मस्त लगती है, अलग लगती है। मेरे को कौन सा अच्छा लगा पता है अंकिता? मेरे को अच्छा लगा ब्लैक वाला। ब्लैक वाला अच्छा है, तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, मेरे को अच्छा लगा ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं वो एक्चुअली वो पीस भी बहुत अच्छा है। चलो हमरी गड्डी पे आ गए।